हेलो लर्नर्स, शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रयास है। पूरा विश्व शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने की ओर दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत में भी यह प्रयास सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा किया जा रहा है। हमारे देश में दो प्रमुख उपकरण के रूप में शिक्षा का सार्वभौमिकरण स्थापित करने के लिए दो प्रमुख उपकरण है। एक है सर्व शिक्षा अभियान की योजना और दूसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इन दोनों के बीच में एक अनुकूलीकरण पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। सर एसोसिएट प्रोफेसर हैं शांति निकेतन, विश्व भारती शांति निकेतन में। और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सर से आग्रह करेंगे कि वो प्रकाश डालें कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब नहीं आया था तब सर्व शिक्षा अभियान का क्या प्रारूप था। धन्यवाद। इस पूरी चर्चा को हम तीन भागों में बांट करके देखेंगे। पहला जो भाग है वो ये होगा कि सर्व शिक्षा अभियान का प्रारूप शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने से पूर्व क्या था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के पश्चात सर्व शिक्षा अभियान ने कैसे उसके साथ तालमेल बिठाया, और फिर सर्व शिक्षा अभियान ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ अनुकूलीकरण करते हुए कैसे अपने आप को फिर से व्यवस्थापित किया। जैसा आप जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2000-2001 से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने तथा अधिगम की गुणवत्ता के सुधार हेतु विविध अंतःक्षेपों में अन्य बातों के साथ साथ नए स्कूल खोला जाना तथा वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं प्रदान करना, स्कूलों एवं अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण किया जाना, प्रसाधन कक्ष एवं पेयजल सुविधा प्रदान करना, अध्यापकों का प्रावधान करना, नियमित अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अकादमिक संसाधन सहायता, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं वर्दियाँ तथा अधिगम स्तरों परिणामों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना शामिल था। सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 में जिसको लॉन्च किया गया। शिक्षा अभियान के दृष्टिकोण, रणनीतियां एवं मानदंडों में प्रारंभिक शिक्षा के दृष्टिकोण को शामिल किया गया है जो निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। पहला सिद्धांत है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 यथा व्याख्यायित शिक्षा का संपूर्ण दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षा, शैक्षिक योजना और प्रबंध के लिए उल्लेखित निहितार्थों के साथ संपूर्ण सामग्री और शिक्षा की प्रक्रिया के क्रमबद्ध पुनरुद्धार के निहितार्थ। ये हम बात कर रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रारंभिक प्रारूप था उस प्रारूप पर अभी बात कर रहे हैं। इसमें दूसरा जो सिद्धांत था वो था साम्यता का अर्थ न केवल समान अवसर अपितु ऐसी स्थितियों का सृजन जिसमें समाज के अपहित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, भूमिहीन कृषि कामगारों के बच्चे और विशेष जरूरत वाले बच्चे आदि अवसर का लाभ ले सकते हों। और तीसरा सिद्धांत था यह सुनिश्चित करना कि विनिर्दिष्ट दूरी के अंदर सभी बच्चे स्कूल पहुंचने योग्य हो जाएं तथा इसमें पारंपरिक रूप से छोड़े गए श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यधिक अपहित समूहों के अन्य वर्ग तथा अल्पसंख्यकों, सामान्य रूप से लड़कियाँ और विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शैक्षिक जरूरतों और दुर्दशा को समझना निहित था। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, जैसे न केवल लड़कों के साथ लड़कियों को बराबर करने का प्रयास अपितु शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 और 1992 में बताए गए परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को देखना, अर्थात महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए निश्चयात्मक हस्तक्षेप जो सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा किया गया। अगला बिंदु है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से अभिभावकों, अध्यापकों, शैक्षिक प्रशासकों और अन्य हिस्सेदारों पर दंडात्मक प्रक्रियाओं पर बल देने की बजाय नैतिक बाध्यताएं लगाना। और इस प्रक्रिया का आखिरी बिंदु है शैक्षिक प्रबंध की अभिशारी और एकीकृत प्रणाली शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए पूर्व अपेक्षा है। सभी राज्यों को उस दिशा में उतनी तेजी से बढ़ना है जितना व्यवहार्य हो। ये सर्व शिक्षा अभियान का प्रारूप जी रहा था। और फिर यानी कि ये पूर्व के प्रारूप रहे होंगे जो जब तक हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम नहीं आया, तो
इसके बाद क्या बदलाव आया? इससे ज़्यादा जरूरी है कि हम पहले ये जानें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कौन से मुख्य बिंदु थे और क्या उन मूल बिंदुओं का तब हम समझ पाएं कि उनका क्या प्रभाव रहा होगा सर्व शिक्षा अभियान पे। तो ये इस चर्चा को हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ाएं कि क्या उनके मुख्य बिंदु थे। बिल्कुल, देखिए जैसा हम सब जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार जो हमारे पास आज है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये संविधान के 86वें संशोधन जो 2002 में किया गया उसका परिणति है। और ये अधिनियम 2002 के उस संशोधन के बाद हमारे हाथ में 2009 में आया, जिसको 2010 में अधिसूचित किया गया। ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इस अधिनियम को अगर आप पूरे अधिनियम को एक समेकित रूप से इसका विश्लेषण करें तो इस विश्लेषण में हम ये देखते हैं कि मोटा मोटा 10 बड़े बिंदु उभर करके आते हैं पूरे शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, जिसमें से सबसे पहला जो बिंदु कहा जाएगा वही कहा जाएगा कि ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये शिक्षा को मुफ्त बनाती है। ये शिक्षा को मुफ्त बनाती है। यहाँ मुफ्त का मतलब है कि वो सिर्फ विद्यालय जो अधिसूचित करेगा फीस वही फीस ले सकता है, बाकी और कोई भी प्रभार और कोई भी खर्चे के कारण बच्चे का एडमिशन जो है, प्रवेश जो है, वो प्रतिबंधित ना हो पाए। तो पहला तो इसका मुख्य बिंदु ही शिक्षा को मुफ्त बनाती है। फिर दूसरा अगर आप इसका विश्लेषण करें तो पाते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज्य के लिए शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। ये एक चेंज जो अधिनियम में आया, अगर आप देखें कि हमारा जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था जी। उसमें अनुच्छेद 45 को अगर आप देखें तो वो अनुच्छेद साफ साफ कहता है कि अगले 10 वर्षों में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, मतलब मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इसको अगले 10 वर्षों के भीतर, संविधान के लागू होने से अगले 10 वर्षों के भीतर इसको प्राप्त कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो अधिकार है, ये जो अनुच्छेद 45 है, इसका प्रतिस्थापन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कर दिया जाने के कारण वो नॉट जस्टिसिएबल उसमें आता था, जिसके कारण लगभग सभी राज्यों ने चार लंबे दशकों तक इस एकमात्र अनुच्छेद, जिसको कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ जोड़ा गया था, इसको उपेक्षित कर सके वो लोग। और फिर परिस्थितियां बदली, यूनी कृष्णन का सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसमें उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो है वो राइट टू लाइफ से इन्फर होता है, और इसीलिए 21A हमारा इंसर्ट हुआ। तो इन सब प्रोसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई वो यही हुई कि इस अधिनियम के आने के बाद अब राज्य अपनी इस भूमिका के को वहन करने से बच नहीं सकते, राज्य के लिए शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है अधिनियम। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस बात पर बल देता है कि जो हमारी पाठ्यचर्या है वो पाठ्यचर्या संवैधानिक मूल्यों के अनुसार हो। और एक बहुत कई सेक्शंस में, कई अनुच्छेदों में इसकी चर्चा की है, विस्तार से चर्चा की है इस अधिनियम ने, और सारी पाठ्यचर्या को संवैधानिक मूल्यों के अनुसार बनाने की बात कही गई है। तीसरी, चौथी जो बात है, चौथी बात भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कहता है कि राज्य को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक को सुनिश्चित किया जाना है, और इस गुणवत्तापूर्ण शिक्षक में उसका जो प्रशिक्षण है, उसकी जो योग्यता है, उसके सारे जो मानदंड हैं, उन मानदंडों को पूरा किया जाना है। अगली और एक महत्वपूर्ण बात है जो इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम में आपको देखने को मिलती है, वो है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम विद्यालय के लिए मानक परिभाषित करता है। और ये जो मानक परिभाषित करने का काम किया है शिक्षा के अधिकार अधिनियम ने, इससे एक बात हुई है, एक समरूपता आई है पूरे सिस्टम के लिए, पूरी प्रणाली के लिए एक समरूपता आई है, जिसमें वो कहते हैं कि विद्यालय के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं, परिभाषित किए गए हैं, उन मानकों के हिसाब से ही विद्यालय होना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम में मेंशन की गई है। अगला बिंदु अगर इस प्रक्रिया में हम आके देखें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम सामाजिक सुधार के लिए भी प्रावधान करता है, और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह की दुर्भावना, पूर्वाग्रह, इसको हटाना और इसके अनुसार सब समुदाय के लोगों को शिक्षा प्रणाली में अपने साथ लेना, ये मैंडेटरी करती है। और एक बात जो निकलती है शिक्षा के अधिकार अधिनियम से वो है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है, और इसके लिए उसने NCPCR और SCPCR का प्रोविज़न दिया है। तो बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसी भी तरह की यंत्रणा बच्चे को ना
पहुँचे। और सबसे अच्छी जो बात है इस पूरे शिक्षा के अधिकार अधिनियम में ये है कि ये पूरी जो प्रक्रिया है हमारी शिक्षा की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को आसान बनाती है। और ये आसान बनाने का जो मतलब है कि एडमिशन के लिए पहले हुआ करता था कि अगर उम्र का प्रमाण पत्र नहीं है आपके पास, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतों से बहुत सारा तरह का की कुंठा थी, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में इन सारी बातों को प्रतिबंधित किया गया और इससे पूरी प्रक्रिया जो है आसान हुई उन सारे लोगों के लिए जिनकी पहुँच से शिक्षा बाहर हुआ करती थी। जो मुझे मेरा पर्सनल जो व्यक्तिगत मत है वो ये है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है इसमें आम आदमी को शक्ति प्रदान की गई है। और इस आम आदमी को शक्ति प्रदान करने की प्रोसेस में इन्होंने विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का एक की संकल्पना दी है। और इस स्कूल प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन समिति है इस संकल्पना को लोग इसका दुरुपयोग ना करने पाए इसलिए इस समिति का प्रारूप क्या होगा उस प्रारूप के बारे में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इस दिशा निर्देश के अनुसार इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, उनके माता पिता, उनके गार्जियन, समुदाय के लोग, विद्यालय के शिक्षक, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स का एक सर्टेन एक्सटेंट में कंपोजिशन जो है विद्यालय प्रबंधन समिति बनता है जिससे आम आदमी की जो भूमिका है वो इसमें आती है। नहीं, थोड़ा मैं इसको जानना चाहूँगा कि आम आदमी की भूमिका कैसे तय हो रही है। जो विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय के अंदर की एक निकाय हो गई, उस एक संस्था बन गई उसमें एक प्रबंधन की, तो वो आम आदमी के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है कि आम आदमी को कैसे शक्ति प्रदान कर रहा है? हाँ, नहीं, शक्ति का यहाँ पर शक्ति से तात्पर्य है कि आम आदमी जो है, जो समुदाय का जो आम आदमी है, उस आम आदमी का विचार, उसकी ज़रूरतें, उसकी आकांक्षाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं, वो अपनी इन सारी बातों को विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में विद्यालय प्रबंधन को बता सकता है। तो वो अपनी ज़रूरतों को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी जो भी उनकी डिमांड्स हैं उसको वहाँ पर रख सकता है। और इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो सबसे लास्ट पॉइंट जो मैंने ये मेरा अपना एनालिसिस जो देखा है वो ये है कि परीक्षा के उत्पीड़न को ये कम करती है, जिसमें थोड़ा, हालांकि अब ये तो बड़ा चर्चा का विषय है कि पास और फेल सिस्टम, लेकिन फिर भी ये शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये परीक्षा के उत्पीड़न को अब तक कम करती है। नहीं, जो आपने बहुत ही बेहतर ढंग से 10 बिंदुओं में पूरे शिक्षा के अधिकार अधिनियम को का समेकन किया, बहुत ही, और ये काफ़ी समझ में आने वाले बिंदु भी थे। अब जो मूल जो हमारा एक बिंदु था जिस चर्चा पे हम लोग आए थे, उनके दोनों पक्षों को हमने समझा, उनके पूर्व के पक्षों को, कि सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य बिंदु क्या हैं और शिक्षा के अधिकार अधिनियम क्या कह रहा है, उनके मुख्य बिंदु क्या हैं। अब जो सवाल जिस चर्चा की शुरुआत हुई थी कि इन दोनों का अनुकूलीकरण कैसे है जी, और कैसे, चूंकि सर्व शिक्षा अभियान तो पहले आई और बाद में आया, इन दोनों को कैसे एक तारतम्यता जो है वो कैसे स्थापित की गई? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे हमने चर्चा के पहले भाग में कहा कि सर्व शिक्षा अभियान जब 2001 में जब ये सर्व शिक्षा अभियान आया उसका जो प्रारूप था क्या था, तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो बहुत सारे काम जो शिक्षा के अधिकार में किए बताए गए वो सारे काम सर्व शिक्षा अभियान पहले से कर रहा था, लेकिन वो राइट जो अधिकार था, अधिकार की जो का जो फ्रेमवर्क था, जो संरचना थी, उसमें नहीं था। वो शिक्षा का जब अधिकार आया, शिक्षा के अधिकार में अब चूंकि ये जस्टिसिएबल था और इसमें न्याय के मंदिर में जाने की पूरी संभावना थी, तो सर्व शिक्षा अभियान ने अपना जो अभियान था, अपना जो विजन और मिशन था, उस विजन और मिशन को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के साथ उसका समन्वयन किया, उसका अनुकूलन किया। और इस प्रक्रिया में अगर आप देखें तो मार्च 2011 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक दस्तावेज प्रकाशित किया है, बड़ा ही सुंदर दस्तावेज है वो, और वो पूरा दस्तावेज इसी बात को सिद्ध करता है कि सर्व शिक्षा अभियान के जो अवयव हैं, जो घटक हैं, वो अवयव किसी भी तरह से शिक्षा के अधिकार अधिनियम से बाहर ना जाने पाएं। सर्व शिक्षा अभियान बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर आधारित कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा नामक दस्तावेज जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2011 में प्रकाशित किया है। ये जो पूरा दस्तावेज है हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, ये दस्तावेज में, इस दस्तावेज में कुल 9 अध्याय हैं। और इन 9 अध्यायों में अगर आप ध्यान से देखें
तो हर अध्याय में, लगभग हर अध्याय में, नौवें को छोड़कर लगभग हर अध्याय में शिक्षा के अधिनियम के साथ इसका अनुकूलीकरण करते हुए इसके कार्यान्वयन की योजना विस्तार पूर्वक नियोजित की गई है। अच्छा, ये तो हमको समझ में आता है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है, ये जो भी हमारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्षेत्र में उसका इम्प्लीकेशन जो है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो सर्व शिक्षा अभियान कर रहा है। बिल्कुल। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इस इम्प्लीमेंटेशन को राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसके फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जाना है, उसमें ही रहना है। तो इस, ये जो नौ अध्याय हैं, ये नौ अध्याय इस अनुकूलन को पूरी तरह से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस में जो नवा अध्याय है वो थोड़ा सा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बाहर है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं, इसमें हमने सिर्फ आठ अध्यायों की चर्चा की है। और ये जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय जो है उसका, उसको परिचय कहा गया है। और इस परिचय के अध्याय से ही पूरा फलसफा जो है हमको समझ में आ जाता है कि कैसे सर्व शिक्षा अभियान ने अपना अनुकूलन किया है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के फ्रेमवर्क की संरचना में। तो पहली बात इस अध्याय में सर्व शिक्षा अभियान कहता है अधिकार आधारित ढांचा की ओर, यानी जो उनका पूरा फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है पूरा, वो अधिकार आधारित होगा। तो ये यहीं से इनका जो क्या जो फलसफा है वो समझ में आने लगता है। दूसरा, इस चैप्टर की जो दूसरी बात है वो कहता है कि वर्तमान संदर्भ, यानी जो अभी संदर्भ है उस संदर्भ में क्या है और अधिकार आधारित ढांचा कैसे तैयार होगा। फिर इसने इस अध्याय में, इस डॉक्यूमेंट के इस अध्याय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, और ये विशेषताएं मोटी मोटी वही हैं जो मैंने पिछले इस चर्चा के दूसरे भाग में आपसे डिस्कशन किया था। तो उस विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा अभिलेख तैयार किया गया है। फिर इसमें बाल अधिकारों की चर्चा की गई और अधिकार के परिप्रेक्ष्य को भी समझने की कोशिश की गई है। तो इससे भी ये बात समझ में आती है कि अनुकूलन जो है सर्व शिक्षा अभियान ने बहुत ही बेहतर तरीके से किया है। और फिर पहले ही अध्याय में शिक्षा का अधिकार की कार्यान्वयन योजना, इस पूरी योजना का को इस अभिलेख में प्रकाशित किया गया है। और फिर सर्व शिक्षा अभियान का उन्नतीकरण कार्यान्वयन के लिए संशोधित रूपरेखा, यानी सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 से जो चला आ रहा था 2009 तक, उसमें संशोधन करते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम का जो की जो संरचना है उसमें ही ये अपने को समेट रहे हैं। इस रिपोर्ट को, इस अभिलेख को अगर हम देखें तो अध्याय दो जो है वो अध्याय दो सभी बच्चे स्कूल में, नाम इसका दिया गया है सभी बच्चे स्कूल में, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी बच्चे स्कूल में। इसमें पृष्ठभूमि के अलावा इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया है, जिसकी व्याख्या की है, समझाने की कोशिश की है, वो ये है कि पड़ोस के स्कूल में बच्चों की पहुंच की सुविधा के लिए मैपिंग, एक मानचित्रण किया है, एक मैपिंग की है, जिससे पड़ोस के स्कूल में बच्चों की पहुंच सुविधाजनक रूप से हो सके। दूसरी बात, सामाजिक पहुंच कैसे हो, इसका भी इस चर्चा इस पूरे फ्रेमवर्क में किया गया है। वैकल्पिक स्कूलिंग सुविधाओं का उन्नयन, सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर्वव्यापी पहुँच प्रावधान को सक्षम बनाना, सर्वव्यापी पहुँच के लिए प्रणालीगत मुद्दों पर संबोधन, सर्वव्यापी पहुंच के लिए हस्तक्षेप। तो ये जो अध्याय दो है इस डॉक्यूमेंट का, जिसको शिक्षा के अधिकार अधिनियम के फ्रेम में ही इसको पूरा लिखा गया है, उसका चैप्टर टू इस तरह से डेडिकेटेड है। इसका अध्याय तीन अगर हम देखें तो ये अध्याय तीन से भी काफ़ी कुछ बात समझ में आती है। और अध्याय तीन है प्राथमिक शिक्षा में साम्यता के मुद्दे पर संबोधन, और इसमें इस अध्याय में संदर्भ के अलावा जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो ये है कि शिक्षा का अधिकार, साम्यता और सामाजिक समावेश, सोशल इंक्लूजन, इन तीनों बातों में कैसे संबंध स्थापित किया जाए, कैसे तारतम्यता स्थापित की जाए, इस पर इन्होंने डॉक्यूमेंट में चर्चा की है। और इससे बात समझ में आती है कि सर्व शिक्षा अभियान का अनुकूलन बहुत ही बेहतर तरीके से शिक्षा के अधिकार अधिनियम के साथ किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें इसी अध्याय में आगे इसके उपागम, कैसे इसको प्राप्त किया जाए, इसके उपागम पर चर्चा की गई है। लड़कियों की शिक्षा, बालिकाएं, उनका पहुंच, उनका एक्सेस और उनका रिटेंशन जी, उनकी पहुंच और उनका ठहराव, उनका पर बात की गई है। लैंगिक साम्यता और गुणवत्ता पर भी इस पर बात की गई है। और भारत के संदर्भ में और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में ये बात बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर ली गई है।
लड़कियों के लिए विशेष योजनाओं पर बल दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों से बच्चों का समावेश कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की गई है। मुख्य धारा के हस्तक्षेपों को पोषित करने के लिए अभिनव गतिविधियां तथा समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है। लैंगिक और सामाजिक समानता के लिए सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप क्या हैं, उस पर चर्चा की गई है। लैंगिक और सामाजिक समावेशन की मॉनिटरिंग के लिए, निगरानी के लिए क्या प्रावधान है, वो प्रावधानों की चर्चा की गई है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा पर चर्चा की गई है। लैंगिक और सामाजिक समावेश के लिए समर्थन पर चर्चा की गई है। तो अगर अध्याय एक, अध्याय दो और अध्याय तीन देखें तो सर्व शिक्षा अभियान ने अपना जो पिछला जो उनका फ्रेमवर्क था, जो संरचना थी, उस संरचना को बहुत ही बेहतर तरीके से शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप अनुकूलन करने में सफल रही। अध्याय चार अगर हम इसका देखें तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है, और अध्याय चार समान गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा पर लिखा गया है, और इसमें कक्षा का दृष्टिकोण, और कक्षा का दृष्टिकोण की जब भी बात कर रहे हैं तो इसमें शिक्षा के अधिकार का जो अधिनियम है उसकी जो उसमें जो सजेशंस हैं, सलाह हैं, उन सलाह के तहत ही कक्षा का दृष्टिकोण की बात की गई है। इसमें कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें की गई हैं। प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ क्या हैं, उन चिंताओं पर भी बात की गई है। तो ये फ्रेमवर्क में है, लेकिन फ्रेमवर्क के अलावा भी एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव जो एक है, उस पर्सपेक्टिव को भी उन्होंने छोड़ा नहीं रखा है। गुणवत्ता शिक्षा के मुख्य घटक क्या हों, उन घटकों पर चर्चा की है। गुणवत्ता शिक्षा के घटक को सक्षम कैसे बनाया जाए, उस पर चर्चा की गई है। और गुणवत्ता शिक्षा के अन्य जो सक्षम अवयव हैं, उन अवयवों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कैसे समावेशित किया जाए, उस पर भी चर्चा इस अध्याय में की गई है। अध्याय पाँच अगर हम देखें तो ये अध्याय बहुत ही साफ तरीके से प्रदर्शित करता है कि कैसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के साथ सर्व शिक्षा अभियान ने अनुकूलन स्थापित किया है। अध्याय पाँच समुदाय और सिविल सोसाइटी की भूमिका और सहभागिता पर आधारित है, जिसमें जो पृष्ठभूमि है, पिछला बैकग्राउंड, उसके अलावा उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें इसमें जो अच्छी बातें कही हैं वो ये है कि सिविल सोसाइटी के संगठनों की भूमिका क्या हो और उनके जुड़ाव की प्रकृति क्या हो। और जब ये संगठनों की भूमिका और उनके जुड़ाव की प्रकृति की बात करते हैं तो शिक्षा के अधिकार के जो अधिनियम हैं उन अधिनियम के बाहर या उन अधिनियम को कहीं भी फ्लाउट ना करें, ऐसा ध्यान में रखा गया है। साझेदारी के संभावित क्षेत्र क्या हों, इस पर भी चर्चा की गई है। सिविल सोसाइटी और समुदाय के जो साझेदारी है उनके साथ, उसके संभावित क्षेत्र क्या हैं, क्या हों, उस पर भी चर्चा की गई है। अगले भाग में अभिभावकों की भूमिका, अभिभावकों की भूमिका क्या हो, इस पर भी चर्चा की गई। और इस सारी चर्चा के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम का की जो संरचना है उसमें ही अपने आप को इन्होंने रखा है। बच्चों की भूमिका क्या हो, शिक्षकों की भूमिका क्या हो, सार्वजनिक निजी भागीदारी और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व तो क्या हो, यहाँ पर इसकी भी चर्चा की गई है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सर्व शिक्षा अभियान एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव है, और चूँकि इसके पार्ट पर, इसके भाग पर इम्प्लीमेंटेशन आता है, तो वो थोड़ा राइट टू एजुकेशन के ऊपर किस का जो फ्रेमवर्क है, कि जो संरचना है, उसको इन्होंने पूरी तरह से समाहित किया है अपने अलग जो इनके एजेंडे हैं उसके साथ। और फिर सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए सर्व शिक्षा अभियान का समर्थन कैसा हो, इस समर्थन पर भी इसमें चर्चा की गई है। आगे इसी प्रक्रिया में आगे अगर हम अध्याय छः को देखें तो अध्याय छः पर विद्यालय की के आधारभूत संरचनात्मक ढांचे का विकास, जैसे कि हमने दूसरे भाग की चर्चा के दूसरे भाग में देखा था कि मानक परिभाषित किया गया है जी, मानक परिभाषित किया गया, तो उस उन मानकों को ध्यान में रखते हुए भी अब आधारभूत ढांचा जो है वो तैयार किया जाना है। और ये आधारभूत ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो सर्व शिक्षा अभियान की है, इसलिए इन्होंने चैप्टर 6 जो है वो डेडिकेट किया है विद्यालय के आधारभूत संरचनात्मक ढांचे का विकास। तो इसमें भी कुछ बातें जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है वो ये है कि संपूर्ण विद्यालय विकास, और जब संपूर्ण विद्यालय विकास की बात कर रहे हैं तो ये संपूर्ण विद्यालय विकास किसी भी तरह से शिक्षा के अधिकार अधिनियम के की संरचना के बाहर ना होने पाए, जो मानक परिभाषित के उन मानक में ही हो, इस पर बल दिया गया है। और फिर विद्यालय का एकीकृत दृष्टिकोण, इस पर चर्चा की गई है। डिज़ाइन, योजना और कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा की गई है। विद्यालय के आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के विकास के अन्य प्रावधान क्या हो सकते हैं, उन प्रावधानों के ऊपर भी चर्चा की गई है, उन प्रावधानों के ऊपर भी सोचा गया है। योजना और कार्यान्वयन, तो वो योजना क्या होगी, उनका कार्यान्वयन कैसे होगा, और इस योजना और कार्यान्वयन को उल्लेखित करते समय ध्यान रखा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम
जो है वो इसमें किसी भी तरह से फ्लाउट ना होने पाए। फिर इसमें जो 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 हमने चर्चा के दूसरे भाग में बात करी थी कि आम आदमी की शक्ति को बढ़ाता है, बिल्कुल, है ना, वो बात बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर लेकर के आए हैं। और ये कहते हैं कि भवन निर्माण के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की क्षमता निर्माण का विकास, तो उसकी क्षमता निर्माण, यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी की शक्ति, कैपेसिटी बिल्डिंग किसी स्कूल का नहीं है, विद्यालय समिति की बात हो रही है, और वो समिति जिसका जिसमें बड़ी भूमिका जो है वो समुदाय की है, आम लोगों की है। विद्यालय के आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के विकास के लिए आवंटन, कैसे हम उसका आवंटन करेंगे उसकी बात इसमें की है। इकाई लागत की बात इस अध्याय में की गई है। कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता क्या हो, उस तकनीकी सहायता पर बात की गई है। विद्यालयी बुनियादी सुविधा के लिए सर्व शिक्षा अभियान का समर्थन क्या होगा, इस बात पर इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। अगला जो अध्याय वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस अध्याय के माध्यम से आप ये देखेंगे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कितने सुंदर तरह से इन्होंने समावेशित किया है, कि कितने सुंदर तरीके से अनुकूलन किया है। ये जो अध्याय सात है, ये अध्याय सात प्रबंधन और निगरानी के विषय में है। प्रबंधन और निगरानी, इसमें प्रबंधन का जो स्वरूप है उस प्रबंधन के स्वरूप पर चर्चा की गई है। फिर राष्ट्रीय स्तर में विभागीय और सर्व शिक्षा अभियान की जो संरचना है उसका एकीकरण कैसे हो, उस पर बात की गई है। स्थानीय प्राधिकरण क्या हों, कैसे हों और उनका स्वरूप क्या होगा, उसकी चर्चा की गई है। स्कूल प्रबंधन समिति पर चर्चा की गई है। स्कूल प्रबंधन समिति, जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उस अधिनियम में इसके ऊपर कैसे कितना बल दिया गया है। निगरानी कैसे होगी, निगरानी कितने स्तर पर होगी, इस पर बल दिया गया है। ब्लॉक और क्लस्टर कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूल का पर्यवेक्षण कैसे होगा, जिला स्तर पर, डायस के माध्यम से, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ये सारी जो निगरानियाँ हैं इतने स्तरों पर ये कैसे होंगी। और फिर जो एक सुंदर बात इसमें कही गई है वो ये है कि गुणवत्ता निगरानी उपकरण, अच्छा, ये भी बात इसमें इन्होंने कही है। और फिर शोध मूल्यांकन निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए वित्त पोषण, ये सारा काम करने के लिए जो वित्त पोषण है उसकी भी इसमें चर्चा की गई है। और इस सारी चर्चा में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसकी संरचना के साथ बहुत सुंदर तरह से अनुकूलन किया गया है। अध्याय आठ अगर आप देखें तो इसमें शिक्षा निवारण और निगरानी के माध्यम से बाल अधिकारों का संरक्षण, इस पर चर्चा की गई है। जैसे मैंने कहा था कि बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो भी राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार अधिनियम में आती है, तो इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पूरा का पूरा एक चैप्टर इसमें इस दस्तावेज में डिवोटेड है। इसमें इन्होंने परिचय के अलावा जो महत्वपूर्ण बातें करी हैं वो की है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत निवारण, शिकायत निवारण का मैकेनिज्म क्या हो, उसकी व्यवस्था कैसी है, उस पर इन्होंने चर्चा की है। फिर इन्होंने किसी भी तरह से कोई भी आदमी अपनी अपना जो फ्रेम है उसका उस फ्रेम से बाहर न जाने पाए, इसके लिए उन्होंने कहा है कि NCPCR क्या निगरानी कर सकता है, क्या मॉनिटर कर सकता है, उसका विषय क्षेत्र, उसका दायरा इन्होंने तय किया है। और NCPCR द्वारा निगरानी के सिद्धांत क्या होंगे, उन सिद्धांतों की चर्चा इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है। तो ये इस, तो इस पूरे जो आठ चैप्टर, नाइन चैप्टर भी है, लेकिन उसमें जो बातें हैं वो सर्व शिक्षा अभियान की हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के साथ ही हैं, लेकिन वो इस फ्रेम में नहीं आती थी, उस चैप्टर को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। नहीं नहीं, अब वो तो पक्ष आपने पहले भी रखा था। ये जो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया कि भाई जो शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान तो पहले से सभी के लिए शिक्षा की वकालत कर रहा था जी, लेकिन जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम आ गया तो सभी के लिए शिक्षा के साथ दो और शब्द जुड़ गए, एक अधिकार और दूसरी समानता। तो ये जो अधिकार और समानता एक जुड़ गई उसके साथ, तो एक व्यापकता के साथ हमारे सामने यह कार्यक्रम और आया। और 2011 में एक और कहा जाए तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम के रूप में उभर करके आया। बच्चों के संदर्भ में क्या लगता है कि बच्चों के सीखने और उस सीखने की जो कौशल हैं या सीखने की जो क्रिया हो रही है, अधिगम की जो प्रक्रिया चल रही है, उनके मूल्यांकन संबंधी कुछ चर्चा इसे किसी अध्याय में ऐसा नहीं? हाँ, ये असल में बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर आप देखें तो एक जगह इन्होंने मेंशन किया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बिल्कुल बिल्कुल, तो जब वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में वो इन सारे ये जो सारे पैरामीटर हैं उन सारे पैरामीटर पर वहाँ पर ये चर्चा की गई है
कि उनका अधिगम, उनका शिक्षण, उनका प्रशिक्षण, इन सारी चीज़ों को कैसे समावेशित किया जाए, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में इसकी बात कही गई है। और सर्व शिक्षा अभियान इस बात की कोशिश कर रहा है कि शिक्षा के अधिकार में जो बातें कही गई हैं उनकी जो समानता साम्यता के साथ उन जो लर्निंग आउटकम है उनको भी अचीव किया जाए। अच्छा, ये बहुत ही सटीकता से आपने वो अनुकूलन के पक्ष को रखा, लेकिन कुछ बातें बहुत सारे मन में सबके आती हैं कि दोनों शिक्षा की ही बात कर रहे हैं, एक सबको शिक्षा देने की बात कर रहा है सर्व शिक्षा अभियान, और एक ये उसमें भी कुछ प्रावधान बताए गए हैं, तो कहीं ये कहीं आपने अनुकूलन की बात कही, कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं बन सकता है? बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए दो चीज़ें हैं, दोनों सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये दोनों शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की बात एक साथ कर रहे हैं। और अनुकूलन की जो बात है वो अनुकूलन की बात ऐसी है कि शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा के अधिकार की संरचना में ही अपनी सारी बातें करनी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पक्ष को रखा, और मैं समझता हूँ कि सभी को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि सर्व शिक्षा अभियान में किस प्रकार से शिक्षा के अधिकार अधिनियम का इम्पैक्ट हुआ और किस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान ने अपने आप को अनुकूलित कर लिया शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।